हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं काले तिल का पराठा। तो उसके लिए हमने मैदा लिया है और नमक लिया है और रेड चिली पाउडर लिया है और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिला के और पानी डाल के पराठे का एक डो रेडी कर लेंगे। हमने ये डो रेडी कर लिया है। अब इसके हम दो पेड़ा बना लेंगे। हम दो पराठे बना रहे हैं तो इसको पहले हम गोल बेल लेंगे अच्छे से। ये पराठा बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर तिल डाल देंगे ब्लैक कलर के, इसको लौंजी भी बोलते हैं, ब्लैक तिल भी है। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो हमने दो पराठे बना लिए हैं। इस तरह इसको हाथ से दबा देंगे जिससे कि तिल अच्छे से चिपक जाएंगे। हमने पानी नहीं लगाया इसमें। अब हम फ्राई पैन में दोनों साइड से ऑयल लगा के इसको सेक लेंगे। तो हमारी काले तिल के पराठे रेडी है। आप इसको अचार या किसी साथ खा सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं मटर की चाट। तो हमने मटर को भूनने के लिए डाल दिया था, उसको उबाल लिया है। और हमने आलू लिया, आलू में कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर से टिक्की क्रंची बनती है। फ्राई फैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम टिक्की रख देंगे। पहले हमें तेज आँच पर इसको सेक लेना है, फिर धीमी आँच पर इसको दोनों साइड से सेक लेंगे। अब हमने धोनी ली है, पत्तल की पत्ती की होती है, प्याज लिया है, मटर लिया है, गरम मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया, सफ़ेद नमक लिया, लाल मिर्च लिए, इमली का चटनी लिया है। अब हम इसमें टिक्की को रख देंगे, वो ऊपर से इसमें मटर डाल देंगे। बस वो थोड़ा सा इस तरह से खोल देंगे जैसे चाट वाले करते हैं। ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे, धनिया से सिफारिश करेंगे और रेडी है हमारी पीले वाले मटर की आलू की टिक्की की चाट। अब हम बना रहे हैं रेड तिल। तो इसके लिए हमने दो चम्मच रेड तिल पाउडर लिया है, बाजार में मिल जाता है। उसमें एक चम्मच हमने दही डाला है और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लेंगे। और आप चाहे दूध से भी बना सकते हैं। हम पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं हम इसमें नमक नहीं पड़ने चाहिए। अच्छे से इसको हमें मिला लेना है। प्याज लिया है, इसको हम साफ कर लेंगे और इसको हमें पतला पतला लंबा लंबा काटना है, छोटा छोटा नहीं काटना है। अब इसको हम धो लेंगे। और फिर हमने बेसन लिया है, बेसन में हमने लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, धनिया डाल दी है और इसमें हम प्याज डाल देंगे और पानी डाल के इसका एक हमें गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे ही हमें इसका बनाना है, पतला ना गाढ़ा। अब हम फ्राई कर लेंगे और उसमें इस तरह से इसको फैला देंगे जिससे कि एकदम क्रंची बनते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इनको तेज आंच पर हमें सेकना है, क्योंकि इसमें बेसन हमें बहुत कम डाला है। दोनों साइड से सुनहरा होने तक इसको हम सेक लेंगे और हमारी प्याज के पकौड़े रेडी हैं। तो आपको हमारी चारों रेसिपी में कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है बताना, लाइक कीजिए।